गल करांगे हुण पंजाब दे विच ऑपरेशन लोटस की गूंज सुनाई दे रही है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाए ने ते बीजेपी ने उसके उत्ते पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि अपना भ्रष्टाचार लुकाउण दे लई केजरीवाल अजिहे हथकंडे अपना रहे ने। भगवंत मान तो सीएम की कुर्सी तो उतारन लई केजरीवाल इस साजिश रच रहे ने। आम आदमी पार्टी से निशाना साधे भाजपा ने, उन्होंने कहा कि अपना भ्रष्टाचार लुकाउण लई झूठे हथकंडे आम आदमी पार्टी वरत रही है। इल्जाम लगाए ने अश्विनी शर्मा। दस दिए कि कल खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा मीडिया के मुखातब हुए सन। उन्होंने कहा सीगा कि पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार डेगण दी कोशिशां बीजेपी वालों की जा रही ने। साढ़े सत्त विधायकों नूं सीधे असिधे तौर पर संपर्क किया गया, अप्रोच किया गया, 25-25 करोड़ रुपए का उन्होंने लालच दिता गया। तो हरपाल चीमा ने यह भी कहा सीगा कि इस ऑपरेशन के लिए भाजपा ने 1375 करोड़ रुपए की एक वड्डी रकम जो है रखी है। जबकि बीजेपी आगू सूबा बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा मीडिया के मुखातब होए तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि ड्रामेबाजी है, जे आम आदमी पार्टी को इसका कोई सबूत है तो सामने रखे। जी बिल्कुल, और इस तस्वीर एक तरह की दिल्ली में भी देखने को मिली सी। इसी तरह के इल्जाम उस दिल्ली भी लगे सन। हालांकि जिस तरह के नाल इस वेले की वार तकरार नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी के भाजपा जड़े ने एक दूजे के वार पलटवार कर रहे हैं, तो इतने सूबे की सियासत भी बेहद गरमाई हुई है। 25 करोड़ रुपया हरेक MLA नूं देण दा यतन, खरीदण दा यतन बीजेपी लगातार कर रही है। पंजाब विच ऑपरेशन लोटस जिहड़ा कि इहदे लई कर्नाटका च कामयाब हो गया होगा, जिहड़ा दिल्ली च बुरी तरह आम आदमी पार्टी दे MLA ने फेल किया, वह ऑपरेशन लोटस जिहड़ा हैगा उहदी प्रक्रिया हुण पंजाब च पहुंची है। और साडे MLA साहिबान नूं 20-20 करोड़ रुपया, 25-25 करोड़ रुपया जिहड़ा ऑफर किया जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा कि जो सरकार बदल गई, जो पंजाब सरकार जी बीजेपी की बन गई तो तुहानू बड़े अहुदे भी देवे। बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के तहत 1375 करोड़ रुपया बीजेपी पंजाब विच आम आदमी पार्टी की सरकार नू डेगण दे विच ला रही आ। वो ब्लैक मनी, वो बड़े बड़े लोगों का किन्ना दा पैसा गा हो जिहड़ा पंजाब च इन्वेस्ट करना चाहती है ताकि पंजाब विच लोकतंत्र की हत्या की जा सके। और बीजेपी का ऑपरेशन लोटस जिथे दिल्ली च बुरी तरह फेल होगा उत्थे पंजाब च भी बुरी तरह फेल होगा और बीजेपी नूं मुद्दे मूँह मूँह दी खानी पैनी। ये झूठ का पुलंदा तथ्य तो दूर है, आधारहीन है और ये इन्हों का पुराना खेल है। कारण है कि इस पार्टी की उत्पत्ति जिहड़ी है ना वह झूठ के आधार से हुई हुई है। यही खेल इन्होंने 10 दिन पहला दिल्ली के अंदर किया जी, साढ़े MLA खरीद रहे हैं, फिर बाद आपे ही कहता साढ़े सारे आ गए जी, ये हो गया वो हो गया। पंजाब की सरकार नू, मान साहब की सरकार नू साढ़े तो खतरा नहीं है। मान साहब नू सब तो वड्डा खतरा अगर किसी को है तो अरविंद केजरीवाल को है, क्योंकि उसकी आत्मा जी अतृप्त है। वो पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहता सी, लेकिन पंजाबियों के स्वभाव को जानते हुए उन्हें कौड़ा घूट भर के मान साहब को बनाया। इस करके इस प्रकार के षडयंत्र अगर कोई रचेगा मान साहब की सरकार के खिलाफ तो उसका सूत्रधार केजरीवाल होएगा। इल्जाम लगाते ने दौड़ जाते हैं, इल्जाम लगाया है लियाओ ना सामने, तत्ते सामने लियाओ, टेलीफोन सामने लियाओ, गल करने वाले सामने लियाओ।